हमारे गठबंधन के नेता कांग्रेस पार्टी बाकी पार्टियों के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। कैसे हैं आप? सोरेन जी ने हेमंत सोरेन जी ने आपको बताया कि पूरे हिंदुस्तान में तेजी से महंगाई बढ़ रही है, यह हर व्यक्ति को मालूम है, शायद प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम, वो दूसरी दुनिया में रहते हैं, मगर उनको छोड़कर पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब ये महंगाई बढ़ क्यों रही है? सबसे जरूरी सवाल ये है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है? किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, दुकानदार छोटा बिजनेस वाला दुखी है, बेरोजगार युवा दुखी है, अदानी खुश है, अदानी खुश है। 15-20 हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति नाम जानते हो, बोलने की जरूरत नहीं, उनको दिन भर 24 घंटा नरेंद्र मोदी पैसा पकड़ाता है। किसका पैसा, किसका पैसा देता है? झारखंड की जनता का पैसा, गरीबों का पैसा, किसानों का पैसा, मजदूरों का पैसा। सोरेन जी ने जीएसटी की बात की, जीएसटी से पहले आप याद रखिए 8 बजे रात को टीवी पे आए थे नरेंद्र मोदी, कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, 500 रुपए का नोट रद्दी करना है, और आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया था। यहां एक व्यक्ति है जो लाइन में नहीं खड़ा था, कोई है यहां पे? देखिए बिल्कुल शांति, एक व्यक्ति नहीं था जो नहीं खड़ा था। आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपके जेब में से पैसा निकाला, ये जो माताएं बहनें आई इनके घर से पैसा निकाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहां गया वो पैसा? लाखों करोड़ रुपए गरीबों के घर से, उनके जेब से नरेंद्र मोदी ने छीन कर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दिया, और आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई। काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो लाइन में आपने किसी बड़े उद्योगपति को खड़ा होते हुए देखा? कोई था एक में से? नहीं, एक भी नहीं था। सब के सब अपनी एसी गाड़ी में चक्कर काट रहे थे, अपना काला धन सफेद कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने उनको मौका दिया। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स का मतलब गरीबों से पैसा छीनो और उन्हीं 15 उद्योगपतियों के हवाले करो, यह है मोदी का काम। 24 घंटा वो यही करते हैं। क्या फायदा मिलता है मैं बताता हूं।